नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीएड या बीएसटीसी या जो शिक्षक भर्ती के अलग अलग पाठ्यक्रम है उसमें चेंजेस किए गए हैं, और अब 1 साल का बीएड हो सकता है, 2 साल का या 4 साल का, अलग अलग विकल्प दिए जा रहे हैं। कौन कौन से स्टूडेंट 1 साल का बीएड कर सकते हैं, इस पर मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 12वीं करने के बाद आप कौन कौन से पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक बन सकते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अभी नए हैं। और पुराने स्टूडेंट अगर पहले से कार्यरत है और आपने अभी बीएड नहीं किया, तो आप किस तरह से इन सर्विस में बीएड कर सकते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा इसको रुक कर देखें। और नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें, नए स्टूडेंट्स के वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनको पता चले कि 12वीं के बाद में कैरियर क्या क्या वो शिक्षक के तौर पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, 12वीं पास करने के बाद 2 विकल्प जो सबसे महत्वपूर्ण निकलकर सामने आते हैं, एक है 12वीं 50% या अधिक अंकों के साथ अगर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी उत्तीर्ण कर लेता है तो वह 2 साल का डिप्लोमा कर सकता है, जिसको डीएलएड या बीएसटीसी कहा जाता था पहले, और इसके लिए 12वीं पास के बाद एग्जाम होगा और ये एग्जाम मार्च अप्रैल महीने में होता है। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में राजस्थान सहित कई जो स्टेट्स हैं वहां पर फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो फॉर्म है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम का जो 12वीं के बाद होता है। 12वीं के 50% से अधिक अंक वाले स्टूडेंट्स की एक कॉमन एग्जाम होती है पीटीईटी के साथ ही, तो वहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि ग्रेजुएशन के 3 और बीएड के 2 साल यानी कुल 5 साल के बजाय ये पाठ्यक्रम जो इंटीग्रेटेड वाला है वो सिर्फ 4 साल का है, तो ये 1 साल आपका बच सकता है। इसकी योग्यता मैंने आपको बता दी है, 50% के साथ सामान्य और 45% के साथ रिजर्व कैटेगरी के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, और फिर जो एग्ज़ाम होनी है उसके मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन होते हैं। तो 2 विकल्प 12वीं के बाद है, लेकिन अब तीसरा विकल्प जो अभी चल रहा है कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि सेवारत अध्यापकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी ने डीएलएड या बीएसटीसी करके नौकरी स्टार्ट कर दी है वो लोग भी बीएड कर सकते हैं, या फिर बीएसटीसी किया हुआ और कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है वो लोग बीएड कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन यही है कि आपके पास से जो ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएसटीसी या फिर कहीं पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, यानी वर्तमान समय में जो कार्यरत शिक्षक हैं चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, उनके लिए पाठ्यक्रम है। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से एक सेवारत अध्यापक भी बीएड कर सकता है और बाकी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं वो लोग भी, इसलिए टीचर्स के लिए सबसे अच्छा कोर्स है कोटा हो चाहे इग्नो हो। तो इसकी पूरी जो डिटेल है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो मेरा इसके भी एजुकेशन न्यूज नाम से ही है। साथ ही साथ 12वीं पास करने के बाद जो दोनों कोर्सेज हैं वो भी, लेकिन अब एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण है, 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिन लोगों ने पीजी कर रखा है और पीजी के बाद वो बीएड करना चाहते हैं तो 1 वर्ष में वो बीएड होगा, लेकिन अभी राजस्थान सहित कई स्टेट्स ने यह शुरू नहीं किया गया। यद्यपि सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ अजमेर में एक इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है जिसमें आपका एमएससी और बीएड कंबाइंड कोर्स 3 साल में संपन्न हो जाता है, उसके लिए आप आवेदन करते हैं और टेस्ट देते हैं तो वहां पर आपका सिलेक्शन हो सकता है और आप 1 साल बचा सकते हो। ऐसे ही कुछ बीएड और अन्य जो महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और पुराने शिक्षक बंधु कृपया इस वीडियो को जो नए स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें जहां पर पीडीएफ और अन्य सूचनाएं मैं लगातार उपलब्ध कराता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।